वेलकम दोस्तों, यूट्यूब चैनल लैब टेक्नीशियन प्रकाश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मलेरिया पैरासाइट के बारे में बात करेंगे, मलेरिया पैरासाइट कैसे लगाते हैं लैबों में उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मलेरिया पैरासाइट के बारे में जान लेते हैं, मलेरिया के लक्षण के बारे में बात करते हैं कि उसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, पेशेंट को क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो पेशेंट को 10 से 12 दिन के अंदर मलेरिया के कुछ लक्षण आपको दिखने लगते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, पेट दर्द होना, और या फिर बार बार फीवर आना, ब्लड लॉस होना, ठंड दे के फीवर आना। अगर आपको ये सारे लक्षण अगर हो रहे हैं तो तुरंत ही अपने आसपास के डॉक्टर या फिर आप लैब में भी जाके आप मलेरिया टेस्ट करवा सकते हैं। मलेरिया का रिक्वायरमेंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट में हमें माइक्रोपिपेट चाहिए, ठीक है, और EDTA सैंपल जो कि एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, उसके लिए EDTA जो सैंपल या आप कैपिलरी ब्लेड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तुरंत ही हाथ फिंगर प्रिक करो और पेशेंट का सैंपल लो और तुरंत ही उसमें डाल सकते हो। तो पहले हम रिक्वायरमेंट की, और इसके लिए फिर और टिश्यू पेपर हो गया, ठीक है, ये टिश्यू पेपर हो गया। तो इसमें से एक किट को बाहर निकाल लेना है, कोई सा भी एक किट को ऐसे बाहर निकाले। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं, इसके अंदर रहता क्या क्या, ठीक है। ये एक किट रैपिड कार्ड हो गया, ठीक है, इसके अंदर, और इसके अंदर ये बफर रहता है मलेरिया पैरासाइट का, ठीक है, बफर रहता है, और ये सैंपल के लिए होता है, ठीक है, स्पेसिमेन को कलेक्ट करके उसमें डालने के लिए, और ये कार्ड लिटरेचर होता है इससे पढ़ने के लिए, आप इससे पढ़ के भी आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसमें देखो कुछ इस टाइप से भी स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं इस टाइप से, तो आप इससे भी देख के लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका कुछ इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, इससे आपको ये आपको आपको पढ़ के देखना है कि कैसे लगाते हैं, ये सारे प्रोसेस दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इससे पैकेट से किट को बाहर निकाल लेना है, और इसको स्टोर करने के बारे में बता देता हूँ। इसका स्टोर हम क्या हुआ होता है, इसको स्टोर 2 से 30 डिग्री सेल्सियस में आप रख सकते हो, मतलब कि इसको बाहर भी रख सकते हो और फ्रिज में भी रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें से इसको बाहर ऐसे कट कर लेना है, कट करके देखो, ये देखो इसमें PV और PF दो टाइप के इसमें मलेरिया होते हैं। तो इसमें सी मतलब होता है कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल अगर आता है तो हमारा किट 100% सही है, अगर कंट्रोल जिस किट में नहीं आता है तो हमारा किट डिफॉल्ट है। तो इस किट में लिखा हुआ होता है सैंपल के जगह में S लिखा रहता है और बफर के जगह में B लिखा हुआ रहता है। तो मैं आपको ये देखो ये आप करके अच्छे से देख लेंगे, मैं आपको इसको वीडियो में दिखा दूंगा साइड में, तो आप इससे देख सकते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, S का मतलब होता है सैंपल और B का मतलब होता है बफर, ठीक है। तो बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, नहीं तो पता चला कि आप बफर में सैंपल डाल दे और सैंपल में आप बफर डाल दे, तो ये अपना टेस्ट खराब हो जाएगा। तो EDTA सैंपल ये, ठीक है, इसको मिक्स कर लिया था हमने पहले से, और इससे 5 माइक्रो निकालना, आप उससे भी निकाल सकते थे लेकिन हम माइक्रोपिपेट से बहुत अच्छे तरह से आ जाता है। इससे 5 माइक्रो निकालना है, और जिसके आजू बाजू सैंपल लगे हुए उसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर देना है। तो टिश्यू पेपर के लिए हम थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेंगे और इसको साइड पार्ट को ऐसे क्लीन कर लेना है, ठीक है। अब ये क्लीन करने के बाद ओके कर दे। तो पहले इसमें यस लिखा और बी लिखा है, तो इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि यस में क्या डालना है, ये देखो ऐसे सैंपल डाल देना है ऐसे, ये सैंपल इंजेक्ट करने के बाद फिर ये बफर है, बफर आप इसमें 2 ड्रॉप बफर डालना है, ठीक है, ये बफर को 2 ड्रॉप ऐड करना है, 1 2। अब इसका आप वेट करते हैं, वेट करने के बाद हम आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि क्या मलेरिया पॉजिटिव आया या फिर निगेटिव आया। तो इसमें 3 टाइप्स के किट में लिखा हुआ होता है, जो कि एक सी होता है जो कि कंट्रोल होता है, और एक होता है PV जो कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, ठीक है, और एक होता है PF जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है। तो हम आपको वही दिखाएंगे कि इसमें कौन सा मलेरिया आपको आया है, ठीक है। तो इसको हम 30 मिनट बाद ही आपको बताएंगे, अगर कंट्रोल में आता है तो निगेटिव होता है, अगर PV और PF में आता है तो पॉजिटिव होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सी बस में लाइनिंग आया है, बाकी PV और PF में कोई लाइनिंग नहीं है, तो मलेरिया निगेटिव है। जैसे कि आपने देख लिया कंट्रोल में आया है, मतलब कि मलेरिया टेस्ट निगेटिव है, अगर बाकी में और आया होता तो मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव होता। तो कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।